रामायण से सीखो, सिखा कर तो देखो, मेरे राम के गीत गा कर तो देखो, रामायण से सीखो, सिखा कर तो देखो, मेरे राम थे रोज वेदों को पढ़ते, मेरे राम थे रोज वेदों को पढ़ते, सुबह शाम संध्या हवन यज्ञ करते, सुबह शाम संध्या हवन यज्ञ करते, ये वेदों की आज्ञा निभा के तो देखो, रामायण से सीखो, सिखा कर तो देखो, मेरे राम के गीत गा कर तो देखो, रामायण से सीखो, सिखा कर तो देखो, पितु मात आज्ञा को दिल में बिठाया, वर्ष 14 वनवास हंस के निभाया, पितु मात आज्ञा को दिल में बिठाया, वर्ष 14 वनवास हंस के निभाया, ये आदर्श ऊंचा बना के तो देखो, रामायण से सीखो, सिखा कर तो देखो, मेरे राम के गीत गा कर तो देखो, रामायण से सीखो, सिखा कर तो देखो, ऋषियों की सेवा में तन मन लगाया, तपस्वी सजीवन धर्म को निभाया, ऋषियों की सेवा में तन मन लगाया, तपस्वी सजीवन धर्म को निभाया, धर्म पर चलो और चला के तो देखो, रामायण से सीखो, सिखा कर तो देखो, मेरे राम के गीत गा कर तो देखो, रामायण से सीखो, सिखा कर तो देखो, सीता को रावण उठा लंका लाया, श्री राम सीता ने कष्टों को पाया, सीता को रावण उठा लंका लाया, श्री राम सीता ने कष्टों को पाया, जंगलों में सेना बना के तो देखो, रामायण से सीखो, सिखा कर तो देखो, मेरे राम के गीत गा कर तो देखो, रामायण से सीखो, सिखा कर तो देखो, लड़े थी लड़ाई और रावण भी हारा, सुपात्रों की रक्षा कुपात्रों को मारा, लड़े थी लड़ाई और रावण भी हारा, सुपात्रों की रक्षा कुपात्रों को मारा, दुष्टों के छक्के छुड़ा के तो देखो,
रामायण से सीखो, सिखा कर तो देखो, मेरे राम के गीत गा कर तो देखो। रामायण से सीखो, सिखा कर तो देखो, थे रक्षक प्रजा के पुजारी, प्रतिज्ञा के पक्के और थे न्यायकारी। थे रक्षक प्रजा के पुजारी, प्रतिज्ञा के पक्के और थे न्यायकारी। जनता को न्याय दिला के तो देखो, रामायण से सीखो, सिखा कर तो देखो, मेरे राम के गीत गा कर तो देखो। रामायण से सीखो, सिखा कर तो देखो, बने प्रेमी हम राम के भक्त सारे। रामायण से सीखे बने अच्छे सारे, बने प्रेमी हम राम के भक्त सारे। रामायण से सीखे बने अच्छे सारे, अच्छाई को घर घर पहुंचा के तो देखो। रामायण से सीखो, सिखा कर तो देखो, मेरे राम के गीत गा कर तो देखो। रामायण से सीखो, सिखा कर तो देखो, रामायण से सीखो, सिखा कर तो देखो। बावीस जनवरी अर्थात कल संसार को दिशा दिखाने वाले आर्यों के गौरव चक्रवर्ती राजा श्री रामचंद्र जी महाराज के स्मारक मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष में श्री राम के जीवन चरित्र का स्मरण करके अपने गौरवशाली आर्य राजा श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन आचरण से शिक्षा लेकर उत्तम कार्यों को करने का संकल्प लेंगे। क्या संकल्प कौन सा लेंगे? कि आप सब भी अपने घरों तथा संस्थाओं में वेदों का अध्ययन, दैनिक यज्ञ का अनुष्ठान आदि शुभ कार्यों का प्रारंभ करेंगे। तो आज इतना सुंदर, आज सबके पूरे भूमंडल पे आज देखिए तो सब लोगों के हृदय में राम भक्ति का इतना उमंग, उत्साह उमड़ पड़ रहा है। सबको एक ही बात हृदय में राम नाम की गुंज, राम नाम की जयकार हो रही है। तो 500 वर्षों की बलिदान के बाद जो श्री राम की जन्मभूमि है, वहाँ राम मंदिर की स्थापना, राम को स्थापित किया जा रहा है। तो प्रत्येक मानव, पूरे विश्व के सारे मानव हर्ष और उल्लास का ये अनुभूति कर रहे हैं। सब अपनी अपनी तरह से उसको, प्रसन्नता को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत सारे भजन रचयिता नए नए भजनों की रचना कर रहे हैं, काव्य की रचना हो रही है, और हवन यज्ञ, राम के गुणगान सब जगह राममय, जैसे सारा भूमंडल राममय बन गया हो। तो यह होना भी चाहिए, सही बात है, क्योंकि जो हमारे राम थे वो ऐसे राम, महान पुरुष, ऐसे पुत्र, ऐसे भाई, ऐसे राजा, जो आज तक न ऐसे
पुत्र हुए, न ऐसे भाई हुए और न ऐसे राजा हुए और न होंगे। ऐसे महान पुरुष जिनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम जोड़ा गया। समस्त मर्यादाएं वेद में जितनी भी मर्यादाओं का उल्लेख किया गया है मानव जीवन में, वो सारी की सारी मर्यादाओं का इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पालन किया। धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, नीतिवान, सदाचारी, परोपकारी, सद्व्यवहार करने वाले ऐसे माता पिता को समर्पित कितनी शुभ बात। प्रथम भजन की प्रथम बात में क्या हमें सुंदर बात बता दी कि मेरे राम तो रोज वेदों को पढ़ते थे। क्या सिखा रहा है? राम का चरित्र। इस भजन की विशेषता पता है क्या है? एक तो प्रथम पंक्ति में राम के गुण बताए जा रहे हैं और दूसरी पंक्ति में हम सबको उन गुणों को धारण करने की प्रेरणा, उसका आग्रह किया जा रहा है कि जो जो राम ने किया आप भी वो करो। करके तो देखो, वो करके देखोगे तब फिर दूसरों को भी कराओगे। जब स्वयं राम ने जो जीवन जिया, आदर्श जीवन, वो जीवन जब हम जिएंगे तब हम दूसरों को उसी जीवन पे प्रेरित करेंगे। तब तो हम राम राज्य की स्थापना, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा देश राम राज्य हो जाए। राम राज्य की स्थापना करने के लिए राम के गुणों को, राम के जीवन को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। गुणगान करना बहुत अच्छी बात है, गुणगान तो करने ही करने हैं, पर मात्र गुणगान तक सीमित रह जाने से जो हमारे मन के भाव हैं वो सारे मन के भाव संपूर्ण नहीं हो पाएंगे। उसकी उपलब्धि तब होगी जब हम उन गुणों को स्वयं धारण करेंगे। तो हमें सबसे प्रथम यहाँ क्या सिखाया जा रहा है भजन के माध्यम से? प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह प्रातः जल्दी उठ करके, नहा धो करके ईश्वर की भक्ति, संध्या उपासना, क्या अर्थ है? ईश्वर की भक्ति से जुड़ना। हमारे राम ने क्या किया? बड़े सच्चे ईश्वर भक्त थे, उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से और विश्वामित्र ऋषि से, इन सब से वेदों को पढ़ा। अच्छी तरह से उन्होंने वेदों को पढ़ा और वेदोक्त जीवन जिया। पूरा जीवन यापन उन्होंने वेदों की आज्ञा का पालन करके किया, तभी वो इतने ज्यादा गुणवान, नीतिवान और कर्तव्य निष्ठ बने और ईश्वर के भक्त बने, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सके। तो हमें भी यही करना है, हमें वेदों की आज्ञा का पालन करना है। तो वेदों की आज्ञा सर्वप्रथम क्या है? प्रत्येक मानव को, यह किसी एक धर्म के लिए नहीं है, राम किसी हिंदू या किसी एक धर्म के लिए नहीं है। राम का चरित्र, राम का प्रेम, राम की भक्ति, राम के गुण सर्व मानव कल्याण के हित के लिए। इसीलिए सारे मानव, जो भी देश है, जो भी वर्ण है, सारे वर्ण, सारे देश के लोग, सारे मानव राम को प्रेम करते हैं, राम का आचरण करने का प्रयास भी करते हैं। तो हमें राम के आचरण का प्रयास करके प्रतिदिन क्या बताया जा रहा है? जितने भी संस्थान है, हमारा आर्य समाज तो वो ही करता है, पर आज जो दूसरों को भी उद्बोधन किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ राम नाम का जाप होता है, राम नाम का उल्लेख होता है, राम का चित्र है, राम का स्मारक है, राम का मंदिर है, जो भी है, राम के नाम से जहाँ उद्बोधन है, वहाँ वहाँ वेदों का अध्ययन और हवन यज्ञ अवश्यमेव आज से संकल्प दृढ़ करके और वो प्रारंभ करना चाहिए। यही मुख्य हेतु है राम नाम का और राम के सच्चे भक्त होने का। क्यों? क्योंकि राम ने स्वयं ये किया। जो उन्होंने किया
हमें उनके गुणगान सुन के, उनके जीवन चरित्र को सुन करके हमारे अंदर वही संस्कार उत्पन्न होने चाहिए, उमंग उत्साह प्रेरणा, वही करने का, जीवन जीने का दृढ़ संकल्प हमें लेना है कि हम प्रतिदिन प्रातः उठ के ईश्वर की ध्यान उपासना करेंगे, हवन यज्ञ करेंगे। फिर दूसरी पंक्ति में बताया माता पिता की कितनी अटूट श्रद्धा माता पिता के लिए। आप सोचो, सौतेली माता ने पिता को वचनबद्ध कर दिया कि मेरा पुत्र भरत राजगद्दी पे और राम 14 वर्ष वनवास। आप सोचे कित कहने में सरल है पर करने में बड़ा कठिन है। राम थे उस वक्त की परंपरा, राजाओं की परंपरा तब क्या थी, ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दी का अधिकारी था, राम ज्येष्ठ पुत्र थे, उनका राज्य अभिषेक होने जा रहा था और तुरंत उनको सूचना दी गई कि अब राज्य अभिषेक न होगा और आपको 14 वर्ष वन में जाना है। आप देखिए राम के, जो श्री राम जिनको हम पूज्य हैं, हमारे स्तुति योग्य हैं, वो क्यों स्तुति योग्य है, उनकी मनस्थिति देखिए। एक दिन उनको समाचार मिलता है कि आज आपका राज्य अभिषेक होगा और दूसरे दिन उनको यह समाचार मिलता है कि आपका राज्य अभिषेक स्थगित किया गया है, आपको राज्य अभिषेक राज्य गद्दी से वंचित करके आपको 14 वर्ष का वन दिया गया है और उनके माथे पे जरा सी शिकन नहीं है। बड़े प्रसन्न चित से, एकाग्र चित से, प्रसन्नता पूर्वक हर्ष से क्या कहा उन्होंने, उनके मुख से तुरंत से ये शब्द निकले। क्या शब्द निकले, अरे मेरा तो परम सौभाग्य है वनों में जाने के लिए, तो वानप्रस्थियों का जब समय आता है तब वो वनों में प्रस्थान करते हैं, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मुझे अभी से ही वनों में जाने का अवसर मिल रहा है, मैं वहाँ ऋषि मुनियों का संग करके उनका ज्ञान प्राप्त करूँगा और उनकी सेवा शुश्रूषा का मुझे अवसर प्रदान हो रहा है। तो इस तरह से ऐसी मनस्थिति किसी सामान्य मनुष्य की नहीं हो सकती, इसीलिए आज राम को पूरा विश्व मानता है, वो पूजनीय है, हम सबके वो पूजनीय बन चुके हैं, क्योंकि ऐसी मनस्थिति, ये मनस्थिति वेदों का आचरण करने से, जो हम अपना अनुष्ठान करते हैं तब जाके यह मनस्थिति बनती है, योग का अनुष्ठान करते हैं, जब प्रतिदिन हम समाधि लगाते हैं तब जाके यह मनस्थिति बनती है, जिसको कहते हैं समता, न दुख में दुखी न सुख में सुखी, हमेशा संभावना में, कभी कोई भी परिस्थिति आई हर परिस्थिति में हर्ष प्रसन्नता पूर्वक समर्पित रह के नीतिवान बन के कर्तव्यनिष्ठ और सारे कर्तव्यों को पूर्ण करना। माता जब कैकई माता कोप भवन में थी तब किसी के मुख से वो बात उल्लेख करने का किसी को साहस न होता था, सब इतने दुखी विक्षेप और अतिशय कलेश युक्त थे, तब वो राम स्वयं बोलते हैं माता आप मुझे बताइए क्या है पिता की आज्ञा, मैं पिता की आज्ञा के लिए समुद्र में कूद सकता हूँ, मैं अग्नि कुंड में कूद सकता हूँ, मैं विष हलाहल पी सकता हूँ, आप मुझे पिता की आज्ञा बता तो दीजिए, मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ, आप मुझे बताइए मैं पिता की आज्ञा का पालन करूँगा। ऐसे हमारे श्री राम, और उन्होंने वास्तव में 14 वर्ष किसी भी नगर में प्रविष्ट न होकर मात्र 14 वर्ष वनों में रहकर, कितने कष्ट वन में रहना, बोलने की बात है बड़े कष्ट, राज्य गद्दी को, भाइयों के प्रति उनका प्रेम देखिए, छोटे भाई के लिए गद्दी का त्याग दिया, जब बड़ा, देखिए बड़ा होने का जो बड़प्पन, सब चाहते हैं कि मैं बड़ा बनूं, मुझे बड़ा, मैं बड़ा हूं, मुझे बड़ा अधिकार चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा, हाँ ठीक है सबको बड़प्पन तो चाहिए, पर बड़प्पन के लिए जो बड़े वाले गुण धारण करने पड़ते हैं, आप वो देखिए, जब बड़ा
व्यक्ति गुणवान होता है, योग्य होता है, कर्तव्य निष्ठ होता है, प्रामाणिक होता है, सदाचारी होता है, परोपकारी होता है, त्यागी होता है, तपस्वी होता है, तब उनका अनुकरण छोटे भी करते हैं। बड़ा भाई त्यागी तपस्वी, राजगद्दी का जरा मोह नहीं, पिता की आज्ञा पालन करके वन को प्रस्थान हुए, तो छोटों में भी वही संस्कार, वही समर्पण, वही श्रद्धा, तप त्याग उत्पन्न हो गया। सारे भाई राजगद्दी से, लोभ से मुक्त हो गए। भरत ने कहा मुझे नहीं चाहिए गद्दी, लक्ष्मण बोले मुझे गद्दी नहीं चाहिए, लक्ष्मण राम के संग संग चले, बोले 14 वर्ष मैं भाई के संग साथ रहूंगा, मैं उनकी सेवा करूंगा, मैं उनके साथ रहूंगा। और भरत ने क्या किया, बोले राज गद्दी का भोग विलास महलों का मुझे न चाहिए, राम की खड़ाऊ लाए और वो गद्दी पर उनकी खड़ाऊ रख कर वो नगर के बाहर कुटिया बनाकर जो जो कष्ट राम ने, जैसा जीवन राम लक्ष्मण जिए वैसा जीवन भरत जिए, भोगो विलासों से दूर। तो ये जो हमारा जीवन का आदर्श है वो हमें धारण करने से बड़प्पन उसी में बन जाता है। बड़े थे राम और इसीलिए मर्यादाओं का उन्होंने पालन किया, तो छोटे भाइयों को भी वैसे संस्कार मिले। आज देखिए हमारे प्रत्येक घरों में, गृहस्थों में क्या हो रहा है, भाई भाई का दुश्मन, छोटी सी जरा सी जायदाद के लिए, थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए, थोड़े से धन के लिए भाई भाई के जान का दुश्मन, व्यवहार खत्म, तू तेरे घर में मेरे घर, कब भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तू मर गया मेरे लिए, मेरा तेरे से कोई व्यवहार नहीं रहेगा, और तो और एक दूसरे की जान के हत्यारे जान भी ले लेते हैं, कुछ घरों में ऐसे ऐसे प्रसंग हम सुनते हैं ना। तो राम राज्य की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे घर गृहस्थियों में जो एक दूसरे के प्रति समर्पण, माता पिता के लिए सेवा, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनके आदर्शों को चलना, उनके जो आज्ञाएं हैं, आध्यात्मिकता, सेवा, जो भी हमें अच्छी बातें शुभ कर्मों से जोड़ते हैं उनसे जुड़ जाना और वैसा जीवन जीना, तब जाके हमारे अंदर राम स्थापित होंगे और राम सदा हमारे हृदय में जीवित होंगे। आज हम एक दूसरी बहन जी हैं, उन्होंने भी हमें वो भजन रचयिता है, सबके लेखनी जो है राममयी हो गई है, सब अधिकतर राम के गुणों का व्याख्यान करते हैं। तो उन्होंने जो अपने रचना में इतनी सारी अच्छी बातें बताई है वो एक छोटा सा भजन भी हम आज अवश्य मैं कर देंगे। राम मंदिर बना मन पुलकित हुआ, पर ये जाना राम चरित्र को किसी ने न माना। राम मंदिर बना मन पुलकित हुआ, पर ये जाना राम चरित्र को किसी ने न माना। राम चर्चा हुई मन में, भक्ति जगी, धर्म को जाना राम चरित्र को किसी ने न माना। पितृ आज्ञा का पालन हो जाए, दुख आए तो हंस कर सह जाए। पितृ आज्ञा का पालन हो जाए, दुख आए
रामचरित्र को किसी ने न माना, राम मंदिर बना मन पुलकित हुआ पर ये जाना, रामचरित्र को किसी सबसे बड़ी विडंबना यही रह गई है
कि हमने राम के चित्र को तो मान लिया, चित्र को तो हर जगह स्थापित कर दिया, पर उसके चरित्र को भुला बैठे हैं। आज मुख्य उपलक्ष्य हमारा जो राम की स्थापना हो रही है अयोध्या में कल, तो उसका जो उपलब्धि सार्थकता तब होगी जब हम चित्र के साथ, चित्र तो हम भी रखते हैं ना, राम के कृष्ण के हमारे समाज में रखते हैं, पर हम चित्र की पूजा न करके चरित्र की पूजा करते हैं। और आज हमें सारे मानव जाति को उसके चरित्र से जोड़ना है। हमारा कर्तव्य स्वयं राम के चरित्र से जुड़कर राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारकर प्रत्येक मानव को राम के चरित्र से जोड़ना है। जैसे पवित्र गंगा नदी पवित्र होती है और हुगली नदी तक आते आते गदली हो जाती है, मैली मैल मटैली धूल से युक्त हो जाती है, तो उस जल को हमें क्या करना होता है, छानना होता है। तो हमारे वैदिक धर्म में भी जो ये सनातन हमारा वैदिक धर्म है, उसमें कुछ अज्ञानवश जो परंपराएं जुड़ गई है, उन परंपराओं को, अज्ञान युक्त परंपराओं को हटाकर और शुद्ध वैदिक सनातन धर्म से प्रत्येक मानव को जोड़कर राम के सच्चे भक्त बनना है। राम के चरित्र को हमारे जीवन का चरित्र, तब हमारा देश राम राज्य और पूरा विश्व राम राज्य अवश्य में बन सकता है, और हम सबका बनाने का वही एक ही आदेश और आदर्श है। अब हमारा समय हो चुका, आगे का हम अगली बार करेंगे। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति यः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेति। ओ शांति शांति शांति। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की, सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब राममयी बन जाइए। हाँ जी, धन्यवाद।